मोकामा विधायक आनंद सिंह की 29 नवंबर को कोर्ट में पेशी हुई थी और उस दरमियान कुछ अज्ञात लोग दिखे थे, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की। उनमें से एक व्यक्ति जो है वो पकड़ाया था, उनके वजह बंटू सिंह जो उनके सहयोगी है विधायक के, उन्होंने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी थी। लेकिन आज फिर बंटू सिंह जी पत्रकार से बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने कहा, जो बार बार ये यही सवाल उठा रहे हैं जो हमारा और विधायक जी का हत्या हो सकता है। बंटू सिंह जी, ये सवाल बार बार उठाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, कैसे आप कैसे लगता है हत्या हो सकती है, आप कैसे इसको इंगित कर सकते हैं, बताइए। देखिए, 29 तारीख को जिस दिन इसका तो प्रमाण हो गया कि 29 तारीख को जो विधायक जी का जो पेशी था उस दिन जो सब संगीत लड़का दिखाई दिया, तो उसमें तो क्लियर हो गया कि ये प्रकाश करके है, भोला का शूटर है। और जो राजा जो पकड़ाया है पंडारक गांव में, आप जाके गुप्त रूप से पूछिए, ये भी राजा जो लड़का मुजफ्फरपुर का है, ये भी पंडारक में रह रहा था इन लोग के साथ, आप जाके पता लगाइए गुप्त रूप से तो पता चल जाएगा। तो क्या हुआ कि जो लड़का, एक तीन लड़का था तो दो लड़का भाग गया, जो प्रकाश और एक था, और ये लड़का पकड़ा गया। पुलिस की कोर्ट और जो हम सब बताए कि पकड़ के थाना में दे दिए सबको। मगर जब हम लोग बोले थाना प्रभारी को कि इसका जो है सो कि सीसीटीवी फुटेज निकालिए, उसमें शूटर आया हुआ था, उसमें जो है सो कि विधायक जी की हत्या करने के लिए आया हुआ था, मगर थाना प्रभारी ने गोल मोल करके उस लड़के को चोरी के मोबाइल में जेल भेज दिया कि ये मोबाइल चोरी का है, जो मोबाइल का CTR खंगालना चाहिए, जिसका CCTV फुटेज खंगालना चाहिए, छोटे मोटे आदमी नहीं ना अनंत बाबू, हैं छोटा मोटा आदमी है, मगर प्रशासन अगर ये चीज करती तो भाई सारा भेद खुल जाता, तो वो नीप पोत करके इसको जेल भेज दिया कि मामला को दबा दे। और कल ये प्रकाश नाम का जो लड़का है, जो शूटर है, जो प्रकाश नाम का लड़का है, ये जो दिखा रहे हैं आपको, जो दारू का बोतल लिए हुए, देखिए ये लोग शराबबंदी का भी धज्जी उड़ा रहा है, और देखिए ये भोलवा मुकेशवा कहीं यहाँ रहता है मोबाइल भवन में, सारा उसका घर का अंदर है, जाके आप लोग मिलाइए, और ये कहता है कि हम भोलवा को चिन्हे नहीं करते हैं, नहीं चिंता है भोलवा को। अब देखिए ये सारा चीज दिखा दिया, और ये लड़का जो है पप्पू मेहता हत्याकांड में, देखिए इसका सब दिए हुए, पप्पू मेहता हत्याकांड में ये भी अभियुक्त है, जो इसका दोस्त पकड़ाया इसका नाम लिया, रजनीश का नाम लिया और प्रकाश का नाम लिया, जिसका CCTV फुटेज में है, और इस लड़का ने ये भी बोला कि भोला सिंह और मुकेश सिंह के लिए हम लोग काम करते हैं, मोबाइल भवन में रहते हैं, जो जो हम लोग को अपराधी घटना करने के लिए कहते हैं हम लोग अपराधी घटना करते हैं, उसके बदले में पैसा मिलता है। बंटू जी, ये लड़का जो पकड़ाया है क्या इसका भी नाम इसमें दर्ज है? नहीं, राजा का नाम नहीं दर्ज है, राजा तो मुजफ्फरपुर का है, जो दर्ज है वो पंडारक का चार गो का, ये तो अलग आया मारने के लिए, सबको तो अलग अलग नाम अथी रखता है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो लड़का को कल बयान दिलाया, हो न सके उसकी भी ये लोग हत्या कर दे, और हत्या करके हम लोग को फंसाने का कि देखिए ये बयान दिया इन लोग के अथी में, तो इन लोग गुस्सा में उसको हत्या कर दिया हम लोग को फंसाने के लिए, क्योंकि ललन सिंह इस सब में बहुत माहिर आदमी है, जो माननीय सांसद है ललन सिंह, आई जो है भव सिंह नीरज, ये सब तो यही काम में लगा हुआ। कैसे पता ललन सिंह जो है माहिर आदमी है? माहिर आदमी हमसे ज्यादा उसको कोई जानेगा? जो भूमिहार रू है वह भूमिहार हम है ना, जहाँ ओकर नानी घर ओकर हमारो नानी घर वही है, खाली इतने फर्क है कि नालंदा के हम ना से नवादा के हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम सभी कुछ जानते हैं। आज राजो सिंह के हत्या हो गया, आज परमेश्वर मुखिया के हत्या हो गया, किसकी सरकार में हत्या हो गया? इसी की सरकार में हत्या हो गई, सब लोग जान रहा है क्या हुआ कैसे हुआ, समझ गए ना, मगर अभी सरकार है, जिस दिन इसकी सरकार हटेगी उस दिन ये लोग जेल के अंदर रहेंगे, हम बता देना चाह रहे हैं। और ये जो प्रकाश नाम का लड़का है, जो भोलवा मुकेशवा जो है इसका शूटर है, ललन सिंह यही कहे हुए है भोलवा मुकेशवा को कि अनंत सिंह को, बंटुआ को कैसे हूँ खत्म करो, नहीं तो ये तो हम लोग को बर्बाद कर। अरे बंटू जी, ठीक है, विधायक जी पे हत्या का जो है मतलब साजिश रची जा रही है, लेकिन बंटू सिंह जी पे क्यों इस तरह की जो आरोप आप जो बार बार मीडिया में कह रहे हैं, आखिर हम ये जानना चाहेंगे बंटू जी के पीछे क्यों पड़ गए? जैसे विधायक तो जेल में है, वो तो बाहर में कुछ बोल नहीं सकते, जब कोर्ट में आएंगे तभी तो थोड़ा बहुत बोलेंगे, तो सारा चीज तो हम भेद खोल रहे हैं ना, खुलासा कर रहे हैं, तू मारेगा ना, और तो कोई खुलासा नहीं कर रहा, सोच रहा इसको मार दो तो खुलासा बंद हो जाएगा, फिर निपोत देंगे, उसके बाद सिंह को समेट लेंगे, यही कारण है। मेरी हत्या करना चाहता है और विधायक जी की भी हत्या करना चाहता है, कारण बस इतने हैं। और कल हम आपके चैनल बताते हैं, कल हम कोर्ट में जा रहे हैं, जो मेरा केस नहीं लिया है पिरगोर थाना FIR, कल हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में हम नामजद अभियुक्त बनाएंगे, माननीय सांसद ललन सिंह, नीरज
और जिसका जिसका अपराधी का नाम लिया है और पीरबोहर थाना इंस्पेक्टर, क्यों नहीं उस दिन सुरक्षा दी गई, क्यों उस दिन नहीं पुलिस थी, खाली गार्ड था जो विधायक जी के साथ जेल से जो भागलपुर से आया। कोर्ट में सीधा केस करेंगे? हाँ, एकदम सीधा कोर्ट में कल केस करने जा रहे हैं हम सब पर, और हम अमित शाह जी से भी, माननीय गृह मंत्रालय जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो कि हम स्पीड पोस्ट से उनको दिए हैं, देख लीजिए ये सारा हम भेजे हैं उनको, अब देखिए कब समय देते हैं, समय मांगे हैं, सारा कहानी दिए हैं उनको, वीडियो सीडियो सब गया हुआ है, अब जब समय देंगे आप लोग को फिर हम बताएं। तो मतलब बात इतनी जो है बढ़ गई लगातार, आपका कहने का मतलब लगातार आपकी तरफ से जो बातें कही जा रही है उस पर कोई तरह से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कैसे एक्शन लेगा, सरकारें शामिल है तो एक्शन लेगा, सरकार शामिल है इसमें तो एक्शन लेगा, देख नहीं रहे कि पकड़ के चोर को दिए, हत्या करने आ रहा था, अपराधी था तो उसको मोबाइल चोरी में जेल भेज दिया। थाना सब के बाकी तो बंडू जी क्या बोलते हो लोग, आपने जब बोलेंगे वो सब तो भाई जो बोलेगा उनका अफसर पदाधिकारी वही ना बोलेंगे, हमको फोनो नहीं किए कहे कि एसपी साहब के पास आपको बुलाएंगे, जैसे कहेंगे कुछ फोन नहीं, निपोत के जेल भेज दिया कि क्या करेगा, और फिर उसके बाद कल ही लड़का को ला के बयान दिलवाने लगा ट्रेनिंग देके, मगर ये तो बयान देके फंस गया, ये तो इतना हो गया कि कोर्ट में गया था, अब हम सारा सबूत भी दे दिए, देखिए इधर देखिए वो भोलबा के घर में रहता है, सारा चीज दे दिए टोटल। तो देखिए निश्चित तौर पे जो है ये बंडू जी का कहना है, जो लगातार सरकार जो है हत्या की साजिश रच रही है ताकि किसी तरह से जो मामला है उनको रफा दफा किया जाए, और बात यहाँ तक बढ़ गई है जो अनंत सिंह की जो सहयोगी है बंटू सिंह, ये अमित शाह तक मिलने वाले हैं, वहाँ तक अपनी बातों को रखने वाले हैं। अंशु झा, दाईजी न्यूज, पटना।